नमस्ते, मेरा नाम है रूपा। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। आज मैं केंद्रीय विद्यालय इंचों की तरफ से कहानी सुनाने जाने वाली हूँ। मेरी कहानी का नाम है चींटी और कबूतर। कुछ समय पहले एक चींटी पेड़ में से तालाब पर गिर पड़ी। कबूतर ने उसे देखा कि वो ने तालाब से जीत और कोशिश करते हुए बाहर निकलने के लिए कोशिश करी। कबूतर ने जल्दी से जाके एक पेड़ की एक पत्ता को तोड़कर चींटी के पास फेंक दी। चींटी उस पर जल्दी से उतर गए। चींटी ने बड़ी चमककर आंखों से उसे धन्यवाद कहा। चींटी बहुत थक गई थी। कुछ सप्ताहों बाद एक पहिया आया। परिया तो कहानी होता है पशु पक्षियों को पकड़ना। उसने चावल को फेंक दिया और उस पे जाल बिछा दिया। उसने पहले चुपके से देखा। इतने में हमारा चींटी आया। उसने देखा कि जो उसकी जान बचाई थी कबूतर, वही उसकी जान बचाई। उसने जल्दी से जाकर पहिया के पैर में जोर से काट दिया। पहिया चिल्लाया, ओ तुम हे परमात्मा, कैसी है रुक तुम। कबूतर ने देखा कि कहाँ से नॉइस आ रहा है। कबूतर ने जाल और पहिया को देख के सब कुछ समझ गया था। कबूतर ने दूसरी डिस्टन की ओर चली गई और चींटी भी कम नहीं थी। चींटी भी चली गई अपनी काम पर। इसलिए तो कहते हैं कर वाला तो हो वाला। धन्यवाद।